फिफ्थ है हमारा कैश बुक शोज अ बैलेंस 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पास बुक फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस वर नोटेड। पहला क्या है, चेक इशू किया है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है अभी तक पेमेंट के लिए। चेक डिपॉजिट किया है लेकिन बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया, बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट हुआ है बैंक के थ्रू और कैश डिस्काउंट अलाउड हुआ है 200 रुपये। तो इसको क्या हम कैसे बनाएंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे देखते हैं। पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट डिटेल अमाउंट। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हमारा बैलेंस है कैश बुक का कितना बैलेंस हमारा 12,500 वो लिख दिया हमने। अब उसमें हमें ऐड क्या करना है, जो चेक इशू किया था लेकिन अभी तक तो प्रेजेंटेड नहीं हुआ है कि अभी तक पेमेंट के लिए, तो इसको हम दोबारा क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपने इसमें कैश बुक में। और किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है बैंक में अमाउंट, वो तो हमें नहीं पता कि कितना उसने कब किया, तो हम उसको भी अभी हम अपने कैश बुक में ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पे, उसको भी ऐड करेंगे। अब हमें माइनस क्या क्या करना है, चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। हम तो ये सोच रहे थे कि अभी तक हमारे बैंक 9,000 रुपये से बढ़ गया होगा लेकिन वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अपने कैश बुक से माइनस कर देंगे। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो तो आपके अकाउंट से तो माइनस कर देगा, तो हमें तो पता ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में से ये भी माइनस करेंगे, बैंक ने अपने चार्जेस पे किए वो भी हम माइनस करेंगे। कैश डिस्काउंट जो है 200 रुपये का, इसको भी हम अपने से माइनस करेंगे। तो इधर साइड का टोटल 16,000, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इधर के टोटल इस टोटल से माइनस करेंगे, तो हमारा जो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा वो क्या आएगा, 14,000। पासबुक और कैश बुक फिर क्या हो जाएगा, हमारे दोनों मैच हो जाएंगे 14,000 रुपये से। पहले इसमें 12,500 था, अब क्या हो गया 14,000, तो ये दोनों हमारा मैच हो गया।